भारतीय कानून के अंदर जब किसी मुजरिम को सजाए मौत या फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तब मौत की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कलम की निब क्यों तोड़ देता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी कमाल की रोचक जानकारी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्व ज्ञान संपन्न में। इस चैनल में हम आपको बहुत सी रोचक जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं, तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय कानून में सबसे बड़ी सज़ा फांसी की सज़ा होती है। बहुत गंभीर और जघन्य अपराध की सज़ा फांसी होती है। जज इस सज़ा को सुनाने के बाद अपने पेन की निब तोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि दोबारा ऐसा गंभीर अपराध ना हो। साथ ही इसका मतलब यह होता है कि इसमें किसी व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होती है, इसलिए इस सज़ा को सुनाने के बाद पेन की निब तोड़ दी जाती है, ताकि पेन की जीवन लीला भी समाप्त हो जाए, ताकि उस पेन का दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। फांसी की सज़ा किसी गंभीर अपराध के लिए मुकदमे के लिए अंतिम एक्शन होता है, जिसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। इस वजह से जब पेन से डेथ लिखा जाता है, तब उसके निब को तोड़ दिया जाता है। ये भी माना जाता है कि एक बार फैसला लिए जाने के बाद और पेन की निब तोड़ने के बाद खुद उस जज को भी अधिकार नहीं होता कि उस निर्णय पर पुनः विचार कर सके। इसलिए फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन की निब को तोड़ दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ताकि आप तक इस तरह की रोचक जानकारी पहुंचाने के लिए हम प्रोत्साहित हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।